नमस्कार दोस्तों, तो Realme 12 Pro सीरीज ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा था कि इसी महीने लॉन्च होगा, लेकिन अभी मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि ये फोन इंडिया पे लॉन्च होगा 31 जनवरी। मैंने ऑलरेडी Realme 12 Pro के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा एक डिटेल वाला वीडियो बना दिया, आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस Realme 12 Pro के अंदर का जो सबसे महंगे वाला जो वेरिएंट आने वाला है, मतलब जिसका नाम है Realme 12 Pro Plus, उसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं, इस बार का जो Realme 12 Pro Plus पीछे से दिखने में होगा एग्जैक्टली ऐसा। टोटल आपको 3 कलर पे मिलेगा, एक रेड, एक ब्लू और तीसरा होगा एक येलो कलर। फोन का थिकनेस है 8.75 मिलीमीटर और वेट है 196 ग्राम। और इसके पीछे आपको मिलेगा टोटली लेदर का बैक कवर। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस 10 बिट 120 हर्ट्ज कार्ड ओलेड डिस्प्ले, उसके साथ 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1260 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट, 2160 हर्ट्ज का पीडब्ल्यूएम डिमिंग रेट, 1200 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले का जो सर्टिफिकेशन उसमें आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट की सबसे इसका जो डिस्प्ले वो ठीक ठाक है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर, जिसके साथ Realme की तरफ से आने वाला एक अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा। लेकिन इस स्मार्टफोन का मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है इसका कैमरा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 58 और 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है IMX890। इसके साथ जो पेरिस्कोप सेंसर वो ओमनिविजन की तरफ से आने वाला एक कैमरा है, जिसमें आपको मिलेगा 3x ऑप्टिकल जूम, 6x सेंसर जूम और 120x तक का सुपर जूम। और जो 8 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर वो एक अल्ट्रावाइड वाला कैमरा है। और इसके रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS EIS दोनों का ऑप्शन। ये जो फोन काजरी के टोटल 2 वेरिएंट पे आएगा, 8 128 GB और 8 256 GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR5। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 3.1, जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, साथ में 100W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तीसरे साल में से कुछ बाकी फीचर की बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5 mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर, जिसके साथ हमें मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर हम इसके OS अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, मोस्ट प्रोबेबली 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज किस प्राइस पर में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है वही 28,000 रुपए के आसपास, क्योंकि जो Realme 11 Pro Plus वो अभी करेंटली इंडिया पे बिक रहा है 25,000 के आसपास। तो इसका मतलब Realme वालों ने ऑलरेडी प्लेस बना दिया है इस नए वाले फोन के लिए। तो अभी हार्ड व्यू से देखिए क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे बेटर दूसरे कोई चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर हम इस प्राइस पॉइंट में देखेंगे तो 32,000 रुपीज पे आज के दिन में अवेलेबल है Redmi Note 13 Pro Plus, क्योंकि जो भी हो Realme का मेन कॉम्पिटिटर है Redmi। तो अगर हम उस Redmi के साथ कंपेयर करते पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में मैं कहूंगा Redmi होगा बेटर, क्योंकि कार्व डिस्प्ले तो मिल रहा है उसके साथ 1.5K डिस्प्ले, मतलब नो डाउट डिस्प्ले में Redmi होगा बेटर। प्रोसेसर की अगर बात करें, Realme का जो स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 उसके मुकाबले जो Redmi का जो Dimensity 7200 Ultra वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए प्रोसेसर के मामले में नो डाउट Redmi होगा बेटर। कैमरे की अगर बात करें, यही तो एक्चुअली Realme का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस मामले में Redmi इसके आसपास भी नहीं होगा, इसलिए कैमरे के मामले में नो डाउट Realme होगा बेटर। वेरिएंट के मामले में दोनों फोन एग्जैक्टली सेम। बैटरी और चार्जर के मामले में Redmi बेटर, क्योंकि 5000 mAh बैटरी, 120W का चार्जर, उसके साथ स्पीकर के मामले में दोनों सेम, OS अपडेट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो मुझे देखिए वीडियो का मैं ये चीज कहना चाहूंगा, ये दोनों फोन के अंदर अगर हम कंपेयर करते तो मुझे Redmi Note 13 Pro Plus थोड़ा सा बेटर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन मुझे लग रहा है। और इसके अलावा Redmi के अंदर आपको मिलेगा IP68 का वाटर डस्ट प्रोटेक्शन भी। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर कोई इस दोनों फोन के अंदर एक ओवरऑल बेटर वाले स्मार्टफोन लेना है तो Redmi होगा बेटर। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर वाला कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना है तो आप लोगों के लिए Realme होगा वन एंड ओनली चॉइस। तो अभी आप मुझे कौन सा जरूर बताना कि आपके दोनों फोन के अंदर कौन सा बेटर लगा और आप कौन सा लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।